हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली और गोवर्धन की पूजा और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आजकल आर्थिक युग चल रहा है और सभी को पैसे की आवश्यकता है। पैसे के बिगैर जीवन हमारा असंभव है, क्योंकि परिवार चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो आज मैं कुछ उपाय ऐसे बताने जा रही हूँ जिसका आप उपाय करने के बाद उसका काफ़ी हद तक आपको फायदा मिलेगा और घर में धन की बरकत होगी और पैसा भी आएगा। उपाय जो है घर बैठकर ही आप कर सकते हैं, कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं। मान लो ये घरेलू उपाय है, जैसे कि दीपावली पर आप दिया जलाते हैं, तो अब मैं जो दिया बताने जा रही हूँ कैसे जलाएंगे आप। दीपावली की रात्रि माँ की जब पूजा कर रहे हैं तो आपको एक दिया ऐसा जलाना है, छोटा सा दिया ले लें लाल रंग का, उसमें लाल डालें मोली की बाती, उसमें अखंडित चावल कितने डालने, थोड़े से डाल दें, कुमकुम छिड़के, केसर डालें, हल्दी डालें और दिए को आप जला दें। दिया का तेल आप देसी घी का भी जला सकते हैं, सरसों का भी जला सकते हैं और तिल का भी जला सकते हैं। क्योंकि अभी मैं कह दूं आपको देसी घी का जला लो, आप गरीब हैं, आपके पास मान लो पैसा नहीं है, मतलब अपनी पॉकेट मनी के आधार पर अपनी सामर्थ्य को देखते हुए आप दिया प्रज्वलित करें और दिया ऐसा प्रज्वलित करें जो पूरी रात चलता रहे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक दिया प्रतिदिन दीपावली से लेकर आपको 21 दिन लगातार जलाना है माँ के आगे। जो पहले दिन आप जलाएंगे दीपावली रात्रि तो पूरी रात जलेगा, फिर जब दूसरे दिन जलाएंगे आप तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा घी भर दें, थोड़ा जल जाए, मतलब आधा घंटा जलता रहे माँ के आगे। प्रतिदिन ये दीपक आपको माँ के आगे जलाना है। आप देखेंगे इस दिए को जलाने के बाद इसमें थोड़ा सा इत्र भी डाल सकते हैं ताकि खुशबू फैले, और आपको माँ से प्रार्थना करनी है मंत्र के द्वारा, श्री सूक्तम के द्वारा, या लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, या फिर आप जो है कनक धारा स्रोत का पाठ करें, करते हुए आपको दिए के आगे प्रार्थना करनी है और 21 दिन लगातार इसको करके देखें। रिजल्ट आपके सामने होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदा स्थायी निवास बनकर ही रहेगा और जहाँ लक्ष्मी जी आ गई वहाँ धन की लगातार वृद्धि होती है, करके देखें। दूसरा उपाय, तर्जनी उंगली के बारे में सभी जानते हैं, ये हमारी तर्जनी उंगली बहुत काम की है, ये निर्देश भी देती है, ज्ञान की उंगली बताई गई है। इस उंगली में आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय करना है, लगातार धनतेरस से अगली धनतेरस तक कर ले, नहीं तो 45 दिन कर ले आप। फाउंडेशन इसमें कुछ नहीं है कि ज्यादा दिन कर लिया तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको धनतेरस से शुरू करना है, या तो आप लगातार 45 दिन करें या अगली धनतेरस तक आप इस उपाय को करते रहें, किसी टाइम भी आप कर सकते हैं। शुद्ध अवस्था होनी चाहिए, रात्रि में सोने जा रहे हैं तब भी आप बैठकर अपने बिस्तर पर कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध अवस्था होनी चाहिए। देखो आपको क्या करना है, एक कटोरी में हल्दी घोलनी है। हल्दी किससे घोलेंगे, गंगा जल से भी घोल सकते हैं आप, गुलाब जल से भी घोल सकते हैं, और आपको इस तरह उसको रफ करना है, मतलब उसको आपको मतलब गीला कर लेना है। लेप तैयार हो गया, अब अपनी तर्जनी उंगली से लेकर आपको तर्जनी उंगली यहाँ पर जो गुरु तत्व है उसमें लगाना है और ऐसे करके हुए आपको क्या बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र आप 108 बार भी जप सकते हैं, 5 बार भी जप सकते हैं, 7 बार भी जप सकते हैं, लेकिन जितना आप जपें फुल भावना को क्रिएट करके, क्योंकि क्रिएशन नहीं करेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। फॉर्मेलिटी, आप टीवी देख रहे हैं और बस आप रफ किए जा रहे हैं, इससे कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आप चाहे 11 बार इस मंत्र का जाप करें तर्जनी उंगली में हल्दी लगाते हुए, रफ करते हुए, लेकिन फील करते हुए कि हे भगवान हमारे घन में हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत करें मतलब, और आर्थिक स्थिति जब मजबूत होगी तो मेरे घर में धन की वृद्धि होगी, जब धन की वृद्धि होगी तो हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि तो जहाँ विष्णु भगवान है वहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है, जहाँ लक्ष्मी जी है वहाँ भगवान विष्णु है, करके देखें, रिजल्ट आपके सामने होगा, आप धनवान जरूर बनेंगे। एक उपाय और कर सकते हैं, धनतेरस की रात्रि में आप एक गुल्लक लेकर आए, मिट्टी की गुल्लक ले आए, अच्छी सी ले आए, बड़ी सी, खूब सुंदर सी, और माँ के आगे रख दें, विधिवत उसकी पूजा करें, उसमें स्वस्तिक बना दें, चाहे आप रोली का बना दें, सिंदूर का बना दें, हल्दी का बना दें, और उसमें मोली भी बांध सकते हैं अगर बन सकती है तो। और इस गुल्लक की पूजा करने के बाद माँ के आगे ही उसमें 11 रुपये सब प्रथम आप डाल दें, बाकी 11 रुपये की कोई फाउंडेशन नहीं, आप 501 डाल दें, वो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको डालना है, मैंने एक आपको उदाहरण दिया है, 11 रुपये डाल दें,
और माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, ये गुल्लक मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ, आज के बाद मेरे घर में धन की लगातार वृद्धि हो सके तो आप मुझे धनवान बना दे। आप मेरी माँ है, मुझे पूरा विश्वास है और 100% विश्वास है आप मेरी ये मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और 100% करेंगी फील के साथ कि पैसा आ रहा है इस गुल्लक में। और फिर अगले दिन उठाकर आपको घर की जो साउथ वेस्ट दिशा होती है वहां पर आपको स्थापित कर देना है। अब हो सके तो घर के जितने मेंबर हैं, बच्चे हैं, बेटी है, बहू है, सब इसमें रुपया डालते रहें जैसे टाइम मिले, पर बाउंडेशन नहीं कि सभी लोग डालेंगे, घर के मुखिया को डालना अनिवार्य है। किसी दिन छूट गया कोई बात नहीं, आप प्रतिदिन डालते रहे। एक साल के भीतर जब अगली धनतेरस आएगी तो आप देखना, आप जहां गुल्लक आपने रखी है उस जगह के आसपास या आपकी तिजोरी के आसपास आपको पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। यानी गुल्लक नहीं है, ये पैसों की भरमार है। आपके घर में पैसा स्थायित्व बनकर रहेगा, जो पानी की तरह बहता था बीमारी में, फालतू खर्चों में, वो बंद हो जाएगा। यानी पैसा खर्च होगा, अच्छे कार्यों में खर्च होगा, और जब खर्च कम होगा तो लगातार आपके घर में धन की बरकत होगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए, बहुत परेशान कर रहे हैं, पीठ पीछे वार कर रहे हैं, कामों में बाधा डाल रहे हैं, अड़चने डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में दीपावली की रात को पीली सरसों मुट्ठी में ले, अपने ऊपर से उल्टा घुमा ले और शत्रु का नाम ले कि हे लक्ष्मी जी, उस शत्रु का मन बदल दो, उसका भी भला हो और मेरा भी भला हो, मुझे वो परेशान करना छोड़ दे, हमको उसको हानि नहीं पहुंचानी है। और ऐसे करने के बाद 7 बार घुमाकर आपको गमले में चौराहे पर या किसी बाहर पेड़ पर जाकर डाल देना है उस पीली सरसों को। ऐसा दीपावली की रात्रि तो आप करेंगे, लगातार आप 11 दिन करके देखें, परिणाम आपके सामने होगा। वो दुश्मन आपको सलाम करने लगेगा, आपसे दुश्मनी खत्म कर देगा। एक स्थिति ऐसी आती है, बहुत उदासीनता मन में रहती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है, कोई काम में मन नहीं लगता, ये करूं कि वो करूं, मन टिकता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करें? दोस्तों, चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा मन का कारक है, पैसा भी देता है और चंद्रमा का संबंध माता से भी बताया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर मन व्याकुल है, चिड़चिड़ा है, उदासीन है, कार्य में मन नहीं लग रहा, आज ये करूं कल वो करूं, टिकता ही नहीं एक जगह, ऐसी स्थिति में माँ की सेवा करना चालू कर दें। जब भी घर से बाहर निकले माता के चरण स्पर्श करें, हो सके तो पानी को ज्यादा वेस्ट ना करें, यानी नहा रहे हैं तो नहाते ही जा रहे हैं, पानी वेस्ट करना छोड़ दें, माँ की सेवा चालू करें। घर से निकले चरण स्पर्श करके निकले और माँ के हाथों से कोई चांदी की चीज लेकर आप जरूर धारण करें, परिणाम आपके सामने होगा। जब आप अपनी माता की सेवा करेंगे, उनके चरणों को स्पर्श करेंगे तो माँ का आशीर्वाद प्रतिदिन प्राप्त होगा, तो चंद्रमा आपका अच्छा होता जाएगा। जितना चंद्रमा अच्छा होगा उतना मन अच्छा होगा, और जब मन अच्छा होगा तो आपके शरीर में सौंदर्य आएगा, और सौंदर्य अच्छा होगा पैसा अपने आप आएगा, यानी सब कुछ मिल जाएगा आपको। करके देखें, ये नियम बना ले अपनी लाइफ में कि जब भी घर से बाहर निकले माता की सेवा करके निकले, कुछ भी सेवा, पानी पिला दें, कुछ मीठा खिला दें, चरण स्पर्श करके निकले। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में गाड़ी भी हो, मकान भी हो, पैसा भी हो, सब कुछ हो, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, तो अंगूठे के नीचे वाला स्थान शुक्र का होता है। यहाँ पर 24 और 741 किससे लिखना है? ग्रीन पेन से। प्रतिदिन अगली धनतेरस तक, यानी इस धनतेरस से शुरू करें, अगली धनतेरस से करके देखें, लगातार करके देखें, रिजल्ट आपके सामने होगा, पैसा जरूर आएगा। लेकिन आप जब लिख रहे हो 24 या 741 ग्रीन पेन से, तो फील करें मेरे पास पैसा आ रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा हो रही है, ये तो मेरी माता है, मुझे पैसे अवश्य देंगी। तो ओम श्री नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, जो भी मंत्र आता हो आपको उसका जाप करना है, करके देखें। एक धनतेरस वाले दिन आप धातु से बनी कोई चीज जरूर खरीदें, चाहे वो चांदी की हो, सोने की हो, तांबे की हो, स्टील की हो। अगर आप चाहते हैं कि धनतेरस सिर्फ तेरस बनकर ना रहे, आपके घर में पैसों की भरमार हो, जैसे कि नाम लिखा धनतेरस, धन को वृद्धि करने वाली तेरस, तो इसमें आप चांदी का हाथी लाएं, छोटा सा ले आए, चांदी की मछली ले आए, और अपनी पूजा करने के बाद जहां आपने दिवाली की पूजा करी वहां रख दे, माँ के चरणों में रखने के बाद लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। आप देखेंगे आपके घर में धन की बरकत चालू हो जाएगी, करके देखें। राहु की वजह से काम में अड़चने आ रही, अचानक धन प्राप्त होता है लेकिन वैसा ही पानी की तरह बह जाता है, ऐसी स्थिति में क्या करें? शिवालय जाएं। वैसे तो 45 दिन के उपाय हैं, अगर नहीं तो आप नहीं कर सकते 45 दिन, तो प्रत्येक शनिवार जाएं, लोटे में घर से जल लेकर जाएं, चढ़ा दें
और जो जलाधारी होती है वहां से थोड़ा सा जल लेकर, जैसे आपने चढ़ाया जल निकलेगा, वो थोड़ा सा जल लेकर घर की जब दहलीज में प्रवेश करें तो दहलीज पर डाल दें आप। कैसे बोल के डालना है? ओम रांग राइवे नमा, ओम रांग राइवे नमा। जब शनिवार को ये उपाय करेंगे कि शिवालय जाकर जल चढ़ाएंगे, बचा हुआ जल लेकर आएंगे, जो जलधारी से निकला हुआ जल है थोड़ा सा लेकर आना, दहलीज पर छिड़केंगे, तो राहु की पीड़ा शांत होगी और राहु प्रसन्न भी होगा। और जब राहु प्रसन्न होता है तो धनवान बना देता। आपने अनेक एस्ट्रोलॉजरों से सुनी होगी कि राहु जो है प्रसन्न होते हैं तो करोड़पति भी बना सकते हैं। एक छोटे छोटे उपाय पर, ये नहीं कि आज कर लिया, एक दिन छिड़क दिया, धनवान बन जाए, ऐसे कुछ नहीं होता। किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता, आप रेगुलर करें इसको। इसके अलावा राहु की पीड़ा के कारण अन्य परेशानी आ रही, एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। 45 दिन तक करें उपाय, या नियम बना लें, चाहे हफ्ते में एक दिन करें, रेगुलर करें, वो आपकी इच्छा है। कंडा लें, 5 कपूर डाल दें और जला दें। ओम रांग राइवे नमा, ओम रांग राइवे नमा, पूरे घर में धुआं करते हुए बाहर निकल जाएं। इससे राहु शांत होगा और राहु के कारण जो पीड़ाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। धनतेरस वाले दिन चांदी की कोई छोटी मोटी चीज खरीद कर जरूर लाएं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। पाबंदी नहीं, छोटी ही लानी है। मतलब जिनके पास पैसा नहीं वो छोटी चीज़ तो खरीद सकते हैं, चाहे नथ हो, चाहे अंगूठी हो या बिछिया हो। अपनी वाइफ को या पत्नी है घर में उसको, मतलब वाइफ पत्नी हो, जो भी हो, माँ हो, बहन हो, किसी को भी आप दें, माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि शुक्र किसका है? शुक्र जो है, शुक्र तभी अच्छा होता जब घर की महिलाएं खुश होती हैं और प्रसन्न होती हैं। तो अपनी वाइफ को दे सर्वप्रथम, माता जी को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं। चांदी की कोई छोटी मोटी चीज़ लाकर जरूर उनको दें। इसके अलावा एक पान लें, शहद लगा दें, 2 लौंग रखें, 2 इलायची रखें, कमल का पुष्प हाथ में ले लें और माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। एक अद्भुत उपाय, एक नोट लें 500 का, उसमें इत्र छिड़क दें, 1 रुपये का सिक्का रखें, रोली रखें, चावल रखें और मोली से बांधना इत्र छिड़कते हुए। ओम भार्गवाय नमः, ओम भार्गवाय नमः, चैटिंग करनी है जब नोट को आप बांध रहे हैं। ओम भार्गवाय नमः, ओम भार्गवाय नमः, ऐसे बोलकर इस नोट को लाल कपड़े में बांधकर माँ के चरणों में रखकर कि माँ इस पर आशीर्वाद रखो कि ये नोट नहीं, मेरी जो है नोटों की बैंक बन जाए, और उसको अलमारी में स्थापित कर दें। दोस्तों, अगली दीपावली तक रिजल्ट आपके सामने होगा। ये नोट आपकी अलमारी में सिर्फ पैसा मल्टीप्लाई ही करेगा, आपको पैसा ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी तिजोरी भरती जाएगी, खाली होने की नौबत नहीं आएगी। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय जीवन में अद्भुत फायदे दिलाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय है अच्छी इंटेंशन, शुद्ध भावना और विश्वास के साथ करेंगे। विश्वास ही प्रबल है। मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वहाँ पत्थर की मूर्ति में क्या भगवान होते हैं? आपका विश्वास ही तो पत्थर की मूर्ति में जान डालता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप जो भी उपाय करें विश्वास के साथ करें, रिजल्ट आपके सामने होगा। भगवान आपकी प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होंगे, चाहे धन संबंधी करें या बीमारी हारी, सब कुछ दूर करेंगे और घर में सुख समृद्धि और बरकत आएगी। क्योंकि आज का युग आर्थिक युग है, जब तक पैसा नहीं तब तक कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। कर भला तो खुद का भला, और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।